नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझी में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के लगातार सारेगामा हम भोजपुरी के गाने ट्रेंड कर रहे हैं। बंधु 3 दिन 2.0, तो वहीं एक बारिश गाना जो वायरल भोजपुरी के चैनल पर रिलीज हुआ था, वो गाना भी ट्रेंडिंग में अपना तांडव जो है वो कहीं ना कहीं मचाया हुआ है। इस कड़ी में खेसारी लाल यादव के एक और गाने को लेकर बवाल अपडेट आ गया है, और अपडेट ये है कि सलीम सुलेमान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक गाने का टीजर खेसारी लाल यादव का रिलीज हुआ है, जिस गाने का नाम है महफिल। जी हाँ, बात करें तो महफिल का टीजर जो है वो लॉन्च किया गया है, और उस टीजर को दर्शकों के द्वारा काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, और महज कुछ ही घंटों के अंदर ये टीजर पर 80,000 से ज्यादा व्यूज, तो 25,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, और कमेंट्स भी लगभग 5,000 के तकरीबन में मिलने वाले हैं। और ये गाना जो है वो कल 12 अक्टूबर को रिलीज किया जाना है, लेकिन इस गाने को और भी ज्यादा बेहतर बनाया है सलीम सुलेमान। जिस गाने में हो वो गाना अपने आप में एक विशाल काय हो जाता है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम सलीम सुलेमान है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि खेसारी लाल यादव के साथ इस गाने को ख्वाहिश गर्ल यानी कि जो फीमेल एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बखूबी जो है इसमें अपना अहम किरदार और जबरदस्त तरीके का अंदाज जो है वो कहीं ना कहीं बिखेरा है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार ख्वाहिश गर्ल जो है वो कौन है। ख्वाहिश गर्ल को जब मैं जाकर सर्च किया तो वो काफी बेहतरीन आर्टिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं, और वो एक बेहद अभिनेत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो उनके इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कदर फेमस हैं। इसके अलावा जोधा अकबर जैसी फिल्म में वो ऑलरेडी जो है वो काम कर चुकी हैं, और उन्होंने खेसारी लाल यादव के इस टीजर को अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला है, और इंस्टाग्राम पर डाल कर लिखा हुआ है कि हियर इज अ टीजर ऑफ खेसारी लाल यादव महफिल कंपोज्ड एंड सॉन्ग बाय हिम, यानी कि खेसारी लाल यादव के द्वारा किया गया है फीचरिंग खेसारी लाल यादव एंड ख्वाहिश गर्ल। ख्वाहिश गर्ल और खेसारी लाल यादव नजर आई है। लिरिक्स जो है श्रद्धा पंडित के हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस जो है अंशुमन शर्मा का है, और डायरेक्ट बाय विवांशु तिवारी का है, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है वो राधिका है। तो इस तरीके का उन्होंने जो है वो पोस्ट किया है, और इतनी बड़ी अभिनेत्री है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गाना रिलीज होगा तो कितना बड़ा मुकाम स्थापित करने वाला है। तो छोटा सा अपडेट था, मुझे आपसे बताना चाहिए। अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।